वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैडम, बात हो पाएगी हकीम साहब से? बिल्कुल, बात जी कीजिए। बात हो रही है। जय हिंद, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार गुरु जी। जय हिंद, आपका स्वागत है। बताइए क्या सवाल है भाई। हाँ दोनों, एक तो ये सेफ भाई का बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। एक तो गुरु जी, ये आज उस दिन जो सवाल किया था ना, एक नमक के बारे में, वही उसमें मैं वो समझ नहीं पाया कौन सा नमक लेना है, काला नमक लेना है, सेंधा नमक लेना है या डेले वाला लेना है, एक आयोडीन वाला, चार वैरायटी है, इसमें कौन सा नमक सही रहेगा। और एक सवाल ये था गुरु जी, वो मम्मी जी के बारे में पूछा था मैंने आपको, वो जो गर्भाशय के बारे में पूछा था। हाँ, एक वो है, वो समझ नहीं पाया था, मैं लिख नहीं पाया था, आपने क्या बताया था गुरु जी। अच्छा, अरे आप गुरु जी, ये है कि जैसे छाछ है, जैसे आप बताते हो ना सिरका बनाना होता है, तो इसमें हम छाछ और तांबा मिला सकते हैं, जैसे और जिस चीज का भी हमें बनाना हो, जैसे पौधे पे डालते हैं तो उसमें छाछ और तांबा मिला देते हैं तो बहुत खट्टा हो जाता है, उसको स्प्रे करते हैं फिर उससे सारे कीड़े वगैरह सब मर जाते हैं, तो ठीक एलोवेरा के उसमें ये मिला सकते हैं, जैसे सिरका बनाना होता है आप बताते हो, बन उसको बाल्टी में रख देते हैं, क्या ठीक है ये मिला ठीक। सकते हैं, ये सवाल है गुरु जी। और एक ये है कि ये गुलाब जल और फिटकरी का आपने कल जो बताया था नुस्खा टीवी पे शाम को जो बताया था, एक इसके बारे में पूछा है गुरु जी। ठीक है। अच्छा देखिए, तांबा नहीं मिला सकते सिरके में, तांबा नहीं मिला सकते, वो बहुत खतरनाक रिएक्शन करता है। और तांबा दरअसल जहरीला होता है। इसको बस किसी भी एसिड में, यानी ना नमक डाल सकते हैं इसमें, ना कुछ और ऐसा एसिड, तांबा उससे रिएक्ट करके जो लिक्विड बनाता है वो जहरीला होता है। तो तांबा तो बिल्कुल नहीं डाल सकते। और क्या पूछा है, नमक के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए, नमकियात तो बहुत होते हैं, लेकिन मैंने कभी ये नमक नहीं बताया। मैं हमेशा नमक जैतून की सिफारिश करता हूँ। नमक जैतून आप लिख लें, नमक जैतून असली लें। ये स्वाद में नमकीन नहीं होता, इसकी पहचान है, देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है। एक चुटकी दिन में एक बार या दो बार इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, माता जी को लेके सवाल था, गर्भाशय उनका बाहर आ गया था। हाँ, तो उनके लिए मैंने बताया था, मुझे याद है कि गौन चिलगोजा, चिलगोजे का गौन। चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट है जो जितने दुनिया में ड्राई फ्रूट हैं उनमें सबसे महंगा आता है, और उसका गौन उससे भी महंगा आता है, लेकिन 10-20 रुपए रोज़ की दवा से ज़्यादा नहीं होता है। बस एक चुटकी गौन चिलगोजा उन्हें खिलाएं, और एक चुटकी खाने का सोडा, जो मीठा सोडा कहलाता है, 2 गिलास पानी मिला के ये पानी पिला दिया करें। आपकी माता जी के लिए ये नुस्खा। जी, अगले कॉलर हैं रविशंकर जी, स्वागत है आपका। हेलो जी सर। मैडम, नमस्ते भाईजान, सलाम वालेकुम जी। जय हिंद, स्वागत है भाई आपका। भाईजान, मैं रविशंकर मिश्रा बोल रहा हूँ, एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। जी, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है। भाईजान, मैं आपसे 2019 से जुड़ा हुआ हूँ आपकी कंपनी से, और आपके प्रोडक्ट को देखते रहता हूँ, आपके जो बताते रहते हैं नुस्खे, वो नुस्खे भी देखते रहता हूँ भाईजान, और लोगों को वो नुस्खे भी बताता हूँ, और आपके कंपनी से दवा बुला करके भी देता हूँ। इसमें हमारी जो बहन रेखा है 36 नंबर, उनके माध्यम से बुला के मैं बहुत से लखनऊ वालों को सुधार चुका। आपकी जैतून का सिरका है, काला गोंद है, सिया गोंद है, ऐसी जो चीज लगती है वो चीज बुलाकर देते रहता हूँ भाईजान। कितने लोगों को फायदा पहुंचाया होगा आपने? कम से कम भाईजान 10 से 12 आदमी ठीक होके हो गए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लोगों की सेवा की। अपना नंबर लिखवाना, फ़ोन काटना नहीं, ये हमारे मीडिया कर्मी आपका नंबर लिखेंगे बात होने के बाद, काटिए नहीं। तो हमारे मीडिया कर्मी आपसे संपर्क करेंगे, आपका इंटरव्यू और सब कुछ इन्हें चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। और बताइए क्या सेवा। बढ़िया सर, कोई एक प्रॉब्लम, शुगर तो है मेरे को, इनने मेरे को नमक शिवरंजन भेज दिया, शिवरंजन भेज दिया साहब सर, तो उसको कैसा करना है बता दीजिए आप।
ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, नमक शिवरंजनी और नमक जैतून और नमक कलौंजी, ये तीनों चीज़ें एक सा काम करती है। जहाँ नमक जैतून की ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप इसे एक चुटकी एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी वही सलाहियतें रखता है जो नमक जैतून और नमक कलौंजी में है। अगले कॉलर है हमारे साथ, बात कर लेते हैं। हरियाणा से है निर्मला जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब सुलेमान जी। जय हिंद, स्वागत है हमारी बहन का। सर मेरा आपसे एक प्रश्न है सर। जी मेरा लड़का है सर, उसकी उम्र 14 साल है सर। उसको ना आधे सर में दर्द रहता है और आंखें भारी भारी बन रहता है आंखों में। ठीक है। और सर एक प्रश्न मेरा है, जो मेरे को ना पित्त ज्यादा बनता है सर, जैसे मैं खाना खाती हूँ तो मेरे को ना खट्टी डकार आती है और खाना हजम नहीं होता है सर। ठीक है। अच्छा देखिए, बच्चे को अगर नजला वगैरह रहता है और नजला हुआ, खांसी हुई, बलगम हुआ और उसने कोई दवा ले ली एंटी एलर्जिक, तो वो सब कुछ सुखा देती है, नसों में बलगम को सुखा देती है। तो अगर ऐसा होता है तो बलगम निकालने की दवाएं, कफ निकालने की दवाएं डॉक्टर से लें अपने, जिससे आप इलाज कराते हैं, तो वो निकलते ही आपका बच्चा तंदुरुस्त हो सकता है। और इनका सवाल, पित्त ज़्यादा बनता है, पित्त ज़्यादा बनता है, एसिडिटी, कब्ज, तो देखिए बहुत अच्छा नुस्खा है, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना। एक बार और बोलता हूँ, आप लिख लें, सौंफ 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन 100 ग्राम और धनिया और मेथी का दाना 100 ग्राम। इन सबको पाउडर बना के घर में रखा करिए, किसी को भी आधी रात को ज़रूरत पड़े तो बड़ा काम आता है। और एक आता है नमक जैतून, ये नमक अलग टाइप का नमक है, देखने में नमक जैसा लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता। एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाना और इस पानी से आप ये जो 6 चीज़ों का पाउडर बनाया है इसको खा कर पानी पी लें बस दिन में एक बार। बहुत ही ज़्यादा रोग है तो 2 बार भी ले सकते हैं, वैसे एक ही बार में बहुत फ़ायदा शुरू हो जाता है, आप इस तरह इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। जी मध्य प्रदेश से हैं दीपा जी, स्वागत है आपका। जी दीदी राधा स्वामी। राधे राधे मैम। दीपा बोल रही हूँ। जी जी मैं दीपा बोल रही हूँ। मेरे 2 सवाल हैं दीदी, प्लीज आप अच्छे से लिख लीजिए। बिल्कुल जी, वो मेरे ना एक जीजा जी के लिए सवाल हैं, क्योंकि मैं उनको किसी को नुस्खे बताती रहती हूँ तो बहुत ना फायदे करते हैं, तो वो बोले थे मेरे लिए भी पूछना। तो उसकी ना एज है 51 और ना उनको 15 सालों से शुगर है, लेकिन अब ना उसको ना जैसे सुबह उठते हैं ना तो एकदम इतनी पीड़ा होती है शरीर में, बहुत कमजोरी महसूस होती है। और ना वजन है उसका 88 और उनको शुगर है, तो वो बोल रहे थे मेरे लिए पूछना कि मैं जैसे सुबह उठता हूँ तो बहुत पीड़ा होती है शरीर में और कमजोरी भी बहुत लगती है और वजन भी बढ़ा हुआ है। मैंने कहा ठीक है मैं अपने सर से पूछ दूंगी आपके लिए, तो वो क्या करें। और दूसरा ना उस प्रेग्नेंट बहू के बारे में पूछूंगी, तो उसका ना अभी 8वां महीना चल रहा है, तो वो बोल रही थी जैसे नॉर्मल डिलीवरी हो और उसको ना सर्दी बहुत बनी रहती है, छींके और सुबह शाम बहुत छींकती है और बहुत सर्दी बनी रहती है, और बोल रही थी दीदी मेरे लिए पूछना कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी तो मैं उसको अपनाऊं। मैंने कहा ठीक है मैं पूछ के बता रही हूँ अपने सर से। पहले भी बहुत उनको फायदे हुए हैं तो वो बहुत दिन से बोल रहे मेरे को। जी बस इतना ही राधा स्वामी सर। जी आप तो बहुत अच्छे हमारे व्यूवर्स में से हैं, आपकी बहू को भी मुझे मालूम है कि उनको रिसाव शुरू हो गया था, ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, फिर आपने मुझसे नुस्खा पूछा था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था नहीं हो सकता, फिर मैंने नुस्खा बताया था, फिर वो बच्ची अच्छी हो गई थी। मेरी तरफ से प्यार करना उसको और कोशिश करें नॉर्मल डिलीवरी हो। अब जो 9वां महीना लगेगा तो इस बच्ची से सब वो काम कराइए जो नौकरों से कराते हैं आप, यानी झाड़ू पोंछा लगवाना,
बच्ची को शायद बुरा ना लगे क्योंकि वो भी मुझे ज़रूर प्रेम करती होगी। और एक कपड़े धुलवाई ज़मीन में बैठ के, चाहे आपके यहाँ नौकर चाकर हों, मशीनें हों धोने की, लेकिन उससे कराइए जितना भी उससे हो सके। तो ये दो काम कराना शुरू कर दीजिए उससे। और जब जो डेट डॉक्टर ने दी हो उसकी, उस डेट पर उसको जो बेकार सा गुड़ नज़र आता ना, काला सा, पुराना सा, बकवास सा, वो गुड़ घर में रखिए। जो डॉक्टर ने डेट दी है उस डेट से एक दिन पहले ऐसे 50 ग्राम खिलाना, फिर अगले दिन 50 ग्राम या 100 ग्राम खा ले किसी तरह, और खूब पानी पिए। आपकी बच्ची को बहुत नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है जी। और जीजा जी के लिए देखिए, आपको तो पता ही है, अगर दर्द है तो गौंसिया देना है, आधा आधा ग्राम देना है, दो बार देना है, या एक बार भी दे सकते हैं। और शुगर की दवाएं लेते रहें, पैदल ज़रूर चला करें, गर्म पानी ज़रूर पिया करें। और या तो कौन जामुन, आपको पता है बहुत असरदार है, एक एक चुटकी दो बार दिया करें, खाने से पहले देना बेहतर है। एक एक चुटकी से ज़्यादा ना दें और दो बार से ज़्यादा ना दें, तो उनको भी फ़ायदा होना मुमकिन है जी। रतन तन्हा जी, स्वागत है आपका जी। नमस्कार। नमस्कार सर। जय भारत हकीम सर। जय हिंद, जय भीम, और आपकी भी जय, रतन 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 वालों की भी जय, रंगीला की भी जय, रतन की भी जी। मेरा मिजाज, शारीरिक मिजाज सर्द है सर। ठीक है सर। और लोगों का विचार है कि मेरा मिजाज गर्म है, लेकिन मैं ये भी बताता हूँ, जब आप देखते कोई श्रोता की बात पर, कोई लिसनर्स की बात पर आप जब भावुक होते हैं तो मैं भी भावुक हो जाता हूँ, मेरी भी आंखें भर आती है। मैं कोई धारावाहिक देखता हूँ तो कोई ऐसा क्षण आता, कोई फिल्म देखता हूँ ऐसा क्षण, तो मेरी आंखें बार बार भर आती है। मैं नहीं जानता कि मेरा असल में मिजाज क्या है। शारीरिक मिजाज तो सर्द है, ये जानता हूँ, मैं जब मौसम चेंज होता है तो मुझे तकलीफ होती है थोड़ी बहुत सर्दी वगैरह। दोस्तों को ये आशा रहता है मुझसे कि मैं उनके हर बात पर जी हुजूरू करूं, उनका मैंने कोई भी गलत बात हो तो मैं उसमें हाँ में हाँ मिलाऊं, लेकिन मेरा वो मिजाज उस समय गर्म हो जाता है। मैं वो मतलब ठीक सामने उनके चेहरे के सामने दो टुक मैं कह देता हूँ कि नहीं यह गलत है। और ये तो अब जाने बता चुका हूँ कि मैं भावुक हूँ अंदर से। तो ये मौसम चेंज हो रहा है सर, मैंने उन्नाव, लिसोड़ा और अलसी और पीपल, इसका 150 के रेशियो से बनाया हुआ है सर। मौसम चेंज हो रहा है, मैं खुद के लिए बनाया हूँ और शुरू भी कर सका हूँ, शुरू भी कर चुका हूँ। तो क्या ये मैं ये जो 450-500 का बनाया हूँ पूरा खुद खा सकता हूँ या बचने पर किसी को दे भी सकता हूँ सर? और दूसरा प्रश्न है सर, मेरा एक हबीब है बचपन का जी, तो वो थोड़ा सा यौन शक्ति, वो कह रहा, आज ही फोन आया था रांची से, बोला मैं कुछ कम हो रहा है तो उसके बारे में कुछ बताइएगा सर। ठीक है, ठीक। हाँ देखिए, मिजाज जो है इंसान का वो उस चीज़ पर निर्भर है कि अगर आप को नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें अक्सर आती हैं और जल्दी आप किसी रोग में ग्रस्त हो जाते हैं तो आप सर्द मिजाज हैं, चाहे गुस्सा आपको कितना ही आता हो। तो गुस्से से मिजाज का कोई ताल्लुक नहीं है। और समझ लीजिए कि आपको बार बार बलगम, खांसी, छींकें रहती है तो आप ठंडे मिजाज के हैं और आपके अंदर इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, ये तयशुदा बात है यूनानी और आयुर्वेद की। और वो मिजाज का अगर बात करें जो भावुक होने वाली बात है, तो उस मिजाज में आप मुझ जैसे हैं, समझे, ये हमारी दोनों चीज़ें मिलती हैं, इसीलिए हम एक दूसरे को पसंद करते हैं।
तो वो मेरा भी हाल है कि मैं बिल्कुल जवान था, फिल्में फिल्मों का बड़ा शौक़ था, मैं चला गया पिक्चर देखने, इत्तेफाक से मेरे चारों तरफ लड़कियां बैठी हुई थी और मैं अकेला, और वो जो सीन आया जज्बाती सीन, तो मैं तो इतना बुरी तरह रो रहा था और वो सब लड़की मुझ पर हंस रही थी। तो ये हमारा मिजाज है, आपका और हमारा मिजाज मिलता हुआ है। ये बहुत पसंद किया जाता है भगवान की तरफ से, रोने वाली आँख को भगवान बहुत पसंद करता है, और यही आँख अगर अपने रब के आगे रोए तो बहुत जो चाहो भगवान से मनवा लो, और अगर वक्त ऐसा हो कि रात के 12 बजे के बाद का, जब सब सो चुके हो और आप उठ के सजदे में उससे कुछ जो बातें करोगे, तो उसकी सरगोशियाँ भगवान के यहाँ होती हैं, जो आप यहाँ बोलते हो वहाँ सुनाई देता है। याद रखें आप, ये वो वक्त है जब आप अपने रब से सब कुछ मनवा सकते हो, और खुददार होना बहुत अच्छी बात है। अगर कोई चापलूसी कराना चाहे तो ये मिजाज नहीं है आपका, आप नहीं कर सकते, आप मर जाएंगे, चापलूसी नहीं करेंगे। और एक शेर याद आ रहा है कि नाज है, नाज है अपनी कच कुलाही पर। कच कुला कहते हैं, पहले वो कुला बांधते थे ना ऐसे, तो वो थोड़ा टेढ़ा होता था, तो उसका एक मतलब होता था कि मैं चापलूस नहीं हूँ, जो टेढ़ा सा लग बांधते थे। नाज है अपनी कच कुलाही पर, चापलूसी मेरा उसूल नहीं, डूब जाना कबूल है लेकिन मिन्नत ना खुदा कबूल नहीं। मेरे ख्याल से इनके सब सवालों के जवाब दे दिए मैंने। एक सवाल रह गया, उन्नाव लिसोड़ा अलसी वाला एक नुस्खा बनाया उन्होंने जी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करिए, किसी को देना हो तो दे भी सकते हैं, फिर दोबारा बना लेना। आपका तो मिजाज है लोगों की खिदमत करना, कितने लोगों को आप अच्छा कर चुके हैं, तो इसको आप इस्तेमाल करें लगातार 4-5 महीने, फिर आपका मिजाज मोतदिल या गर्म हो जाएगा, और आप फिर सर्दी के या इन रोगों से जल्दी ग्रस्त नहीं हुआ करेंगे। बिल्कुल।